हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में तो बूम से आगे बढ़ रहे होंगे। वेल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल नंबर में स्पेशली हम बात करेंगे वन नंबर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्पेशली आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कभी वॉच देखो तो 111, कोई गाड़ी जा रही है उसका नंबर प्लेट में 111, फेसबुक इंस्टाग्राम के लाइक्स में 111। तो देखो, सबसे पहले चीज़ जो है अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई भी चीज़ कभी भी फालतू नहीं होती है। किसी कोई भी बिना रीजन के कोई भी चीज़ नहीं होती है। ऐसे हमने खबर सुनी होगी कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कोई भी चीज़ किसी को बिना किसी रीज़न के नहीं होती। अगर वो आपको दिख रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न है। वन नंबर न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें या किसी के भी अकॉर्डिंग देखें, वन नंबर हमेशा से पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नंबर रहा है, सबसे पावरफुल नंबर। हाँ, इसका मीनिंग हर पीपल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपके लिए अलग है, आपके बगल वाले के लिए उसका मीनिंग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। एक तरह की यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होती है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होती है, गॉड की तरफ से गाइडेंस होती है। गॉड हम लोग को गाइड करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम देखा करते, चलो ठीक है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक का भी कुछ नहीं होता। आज हम लोग कुछ रीजन जानेंगे ऐसा क्यों ऐसा हम लोग के साथ होता है, क्यों ऐसा आपके साथ होता है। सबसे पहला तब दिखता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आप चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और जो आपके दिमाग इस समय सोच रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच खाने लगती है, यानी कि जब आप थिंग्स को, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर मैच हो रही होती है, आपके गोल्स की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच हो रही होती है, तब यूनिवर्स आपको 111 या 1 नंबर का रेपिटेशन बार बार दिखाते हैं। यूनिवर्स आपको ये बताने चाह रहे होते हैं कि जो तुमने विश मांगी है वो विश जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। यूनिवर्स ने उस विश को एक्सेप्ट कर लिया है और आप बस उस विश को पाने के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। एक तरह की एक्सेप्ट होने के बाद का जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल आपको मिल रहा है कि जो भी विश आपने मांगी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है, अब आप रेडी रहें उस चीज़ को पाने के लिए। 111 का रेपिटेशन दिखने का जो हमारा दूसरा मेन रीज़न है वो ये है कि अगर आप अपने पास्ट के बारे में, बीती हुई बुरी चीज़ों के बारे में, कोई घटना आपके साथ घटी हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो या किसी ने कुछ चीट किया हो, अगर आप उस बारे में सोच रहे हैं, उस पर उसके बारे में मतलब उस मूड में हैं और तब आपको ये 111 का रेपिटेशन दिखता है, तो इसका मतलब तुरंत ये है कि यूनिवर्स आपसे एकदम अर्जेंट वार्निंग टाइप की दे रहे हैं कि तुरंत अपने जो माइंड है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको चेंज करो, क्योंकि आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही अपने जीवन में और अट्रैक्ट कर रहे हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा फील करते हो, जैसा महसूस करते हो, जैसा सोचते हो, वैसी और सारी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है कि इस वक्त आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी और ऐसी मैनिफेस्ट कराने के उसमें हैं, इसलिए आप तुरंत से तुरंत अपनी जो थॉट्स हैं उनको चेंज करो, अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, बढ़िया सा गाना चालू करो, बढ़िया सा कोई ऐसी चीज़ हो, कोई पुरानी अच्छी चीज़ है उसको देखो, एकदम से अपना मूड तुरंत चेंज करो। 111 का रेपिटेशन दिखने का जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि एक आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, पूरी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट, यानी कि आपकी लाइफ जो है एक अलग मोड़ लेने वाली है। उसके पहले 111 और 111 का रेपिटेशन दिखता है, तो बिल्कुल रेडी रहे चीज़ों को अपनी तरफ पाने के लिए, बिल्कुल तैयार बैठे रहे। वो नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास कभी भी आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती, कुछ भी हो सकती है, एक अलग सा ही शिफ्ट आने वाला होता है, तब ये 111 या 111 का रेपिटेशन दिखता है। बहुत ही यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नंबर होता है 111 का रेपिटेशन, या 111 के जो रेपिटेशन नंबर्स हैं, अगर वो आपको अचानक से ही दिखती है, जो मैंने आपको बताया इनमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे, किसी पास्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे, नॉर्मल ऐसे बैठे और अचानक से दिखता है, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि तुरंत आप ये चीज़ नोटिस करें कि आप उस सब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कोई गंदा विचार दिमाग में चल रहा है या कोई नेगेटिव चीज़ दिमाग में चल रही है, आप तुरंत इस चीज़ को देखें, और अगर गलत विचार हो तुरंत उस चीज़ को सही करें, तुरंत उस चीज़ को पलटें कि नहीं। और एक ये तो मैंने पहले बता दिया, और दूसरी चीज़ ये कर देना कि तुरंत जेन्युइन एक रियल और एक तो तुम्हारी हित के लिए विश हो, जो अच्छी विश हो वो यूनिवर्स से मांगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपकी जो भी आपके गोल्स हो आप जाने, वो आप मांगे गॉड से तुरंत ही, क्योंकि वो एक परफेक्ट, जिससे आप लोग बचपन में क्या करते थे कि पलक जो होती थी गिर जाती, तो ऐसे करके कहते थे कि गॉड मुझे ये दे देना, वो दे देना, तारे टूटते हैं, तो वो सब तो बचपन की कहानियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन की कहानियाँ आपस में रिलेट करती हैं। तो ऐसा टाइम जो होता है यूनिवर्स का डिवाइन टाइम होता है, जिस समय आपको ये नंबर दिख रहा है, तुरंत आप एक अच्छी सी विश मांगे, क्लियर है। फिफ्थ रीज़न
रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ को देखने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए, पूजा करने के लिए जो वर्शिप होती है उसके लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तब आपको अगर वन 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 दिखता है तो इसका साफ साफ मतलब ये यूनिवर्स जो गॉड है आपसे, परमात्मा जो आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है कि आप सभी कामों को एक अच्छे से मैनेज करके अपने खुद के लिए टाइम निकालिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकालिए और पूजा भक्ति जो आस्था या सब चीज़ों के लिए टाइम निकालिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को उठाएं, ये नया चैनल है, आपके भाई का चैनल है, इसको उठाएं, इसको सपोर्ट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग की आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी विषय आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ हिचकिचाए मत, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी बनी, वीडियो में अगली वीडियो हम किस चीज़ के लाएँ या किस में किस नंबर के लाएँ या कोई भी टॉपिक है आप बताएं, मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक।